सभी बच्चों का सफलता डॉट कॉम पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई रोहित कृष्णा। आपको जैसे पता चला है कि हम लोग पिछले लगभग एक वीक से हर रोज़ ANM से जुड़े हुए ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का जो कोर्स होता है उसको लेकर के हम लोग एक नए नए टॉपिक को लेकर के रोज़ आ रहे होते हैं। फिर से एक बार के लिए हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करें कि आखिर क्या ANM के लिए, कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ANM की पढ़ाई कहाँ से होती है, इसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, कोर्स स्ट्रक्चर के साथ साथ में आपके पास जो ANM के टॉपिक्स दिए गए हुए होते हैं उसमें पढ़ना क्या है, इसको कम्प्लीट कैसे करना है। अब इन सारे डिटेल्स के बाद में मैं इसके पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ANM का कोर्स जो है बेटा वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो 18 महीने से 24 महीने का, यानी कि 24 महीने का एक्चुअल कोर्स होता है। 18 महीने आपको किसी भी पारामेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। इस पढ़ाई के बाद में 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपको एक इंटर्नशिप के अंदर में जा करके किसी कॉलेज या किसी हॉस्पिटल में जा करके आपको जो भी नर्सिंग की आपने पढ़ाई की है उसको सर्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ में एक और बात मैं बता दूं कि इसके लिए कोई नीट या अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ANM के एग्जामिनेशन बिल्कुल ही अलग होते हैं नीट के एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। दूसरी बात, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट भी ANM के लिए अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं जहाँ पर वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए लोगों को हायर करने का काम करते हैं। इनकी पढ़ाई भी एम्स में होती है और इंटर्नशिप भी एम्स में होता है और फिर फाइनली वो हायरिंग भी एम्स में ही करते हैं। तो ये रहा आपका ANM का एक मोटा मोटी जो आपका आउटलाइन है। इसके साथ मैं बता दूं कि ये मेडिकल की पढ़ाई तो नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज बताएं या कम्युनिटी को सर्व करने की बात बताएं, समाज को सेवा करने की बात में अगर बताऊं तो ये कहीं से भी मेडिकल से कम भी नहीं है। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर गेट पे खड़ा नहीं होता है, डॉक्टर आपका नाम और बाकी डिटेल नहीं लेता है, ना ही डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। सारी चीज़ें ये ANM का काम है। डॉक्टर सिर्फ अपने केबिन में बैठा हुआ है, जब आप उनसे मिलते हैं तो आपसे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप वहाँ से निकलते हैं डॉक्टर के यहाँ से, तब आपको बताया जाता है कि ये दवाइयाँ इतनी टाइम खानी है, ऐसे करना है, इतने दिन के बाद दोबारा चेकअप करना है। ये भी ANM का ही काम है। हॉस्पिटल का रख रखाव, मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी ANM का काम है, डॉक्टर्स नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज बता दूं तो मुझे लगता है कि इलाज के अलावा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे के सारे ANM के ही अंदर में दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत जिम्मेदार जो नौकरी है, इसलिए इसको करने के पहले आपको भी थोड़ा अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है। इसलिए इस कोर्स में 6 महीने का इंटर्नशिप भी डाला गया कि सिर्फ पढ़ाई करके डायरेक्टली हॉस्पिटल में भेजने के बजाय आप 6 महीना हॉस्पिटल में रह करके गेट यूज टू ऑफ इट, इस चीज़ की आदत डालिए कि रोज़ का स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, कोई बीमार है, कोई इंजर्ड है, किसी को चोट लगी हुई है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ में YouTube पे हम लोग हर रोज़ ANM से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए आते हैं जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। आज का टॉपिक जो है वो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम है। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट में मानता हूँ, जिसमें कहा जाता है कि जब तक सरदर्द अपने सर में ना हो तब तक उसको सरदर्द नहीं मानते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम में क्या है कि जब तक बीमारी खुद नहीं हो तब तक लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्या कैसे करना है, हैंडल करना है। तो मोस्ट कॉमन हेल्थ इशू जो है, जो सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके बारे में, फिजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन, शारीरिक गतिविधि एवं पोषण, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, अधिक वजन और मोटापा आता है, टोबैको यानी तंबाकू का सेवन और उससे होने वाली बीमारियाँ, ठीक है, सब्सटांस एब्यूज मादक द्रव्यों का सेवन, HIV और AIDS, ह्यूमन इम्यूनोवायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सबसे ज़्यादा जो इग्नोर पार्ट है वो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, चिड़चिड़ाहट, हाइपरटेंशन वगैरह जो है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ में इंजरीज, वायलेंस, लड़ाई मारपीट हो रही है, किसी को एक्सीडेंट में चोट लगा हुआ है, एनवायरमेंटल क्वालिटी
ये मैं सबसे ज़्यादा इससे सफ़र किया हुआ हूँ इन्वायरमेंटल क्वालिटी से। बिहार के जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स मुश्किल से 200 है, 120 से 200 के आसपास में है। अब मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो पूरे भारत में नामी है। फिर इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा, ये भी आपके कम्युनिटी हेल्थ के अंदर में आते हैं। और एक्सेस टू हेल्थ केयर, कितनी आसानी से आप किसी जगह पे आपके पास में एक्सेसिबिलिटी है अगर आप स्वास्थ्य के देखभाल करना चाहते हैं तो। तो आज की क्लास में इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करके मैं एक छोटे छोटे पोर्शंस को डिस्कस करूंगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आम स्वास्थ्य समस्याएं को कैसे, या कॉमन हेल्थ इश्यूज जो होते हैं कम्युनिटी से जुड़े हुए, उनको कैसे ठीक किया जाता है। तो सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन, शारीरिक गतिविधि एवं पोषण। ये बातें आप अगर आप इंस्टाग्राम या सोशल साइट्स वगैरह पर अगर आप एक्सेसिबिलिटी कर रहे हैं तो ये बातें आपको कई बार बताई गई हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट का व्यायाम रोज कीजिए। और ये जो व्यायाम है 15 मिनट का, ये साधारण टहलने से लेके योगा करने से लेके कोई भी एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये शारीरिक गतिविधि और उसके साथ साथ में न्यूट्रिशन, अगर आप जिम जा रहे होते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 70% न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है बॉडी बिल्डिंग और 30% आपके एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। तो आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको किसी भी हाल में मदद नहीं करने जा रहा है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट स्टेइंग फिजिकली एक्टिव कैन हेल्प इन प्रिवेंट एंड डिले सर्टेन डिजीज इंक्लूडिंग सम कैंसर्स, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, एंड ऑल्सो द रिलीफ ऑफ डिप्रेशन एंड इम्प्रूव मूड। शोध ये बात बताता है कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से कुछ बीमारियां जिसमें कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह सहित कुछ बीमारियों को रोकने या देरी करने में मदद मिलती है। अब इसमें ये भी है कि आप डिप्रेशन यानी अवसाद से भी राहत मिल सकती है। आप एकदम क्या हो रहा है कि एक मोनोटोनस जॉब है, दिन भर एक ही जैसा है, 10 बजे जा रहे हैं, रात के 8 बजे लौट रहे हैं, कोई काम आपको लग रहा है कि एक मशीन की तरह शरीर जो है वो काम करते चला जा रहा है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में ये चीज़ें आपको डिप्रेसिव आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन इन चीज़ों का आपके साइकोलॉजिकल इस पे असर पड़ना शुरू हो जाता है कि नहीं भाई, सच में लग रहा है कि एक नॉर्मल लाइफ जो जीना चाहिए था वो मैं नहीं जी पा रहा हूँ। तो ये एक अवसाद या डिप्रेशन के तौर पे आपके शरीर में काम करना शुरू कर देगा। अब अगर आप थोड़े देर के लिए भी अगर शारीरिक एक्टिविटी, मेरा कहना है कि आप नीचे पार्क में जाकर कुछ देर बच्चों के साथ खेल लीजिए, देखिए आपका मूड कैसे सुधर जाता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आए हैं सोसाइटी में, बैग वैग रख करके गाड़ी वाड़ी लगा दिया, बैग लगा दिया, थोड़ा सा टी शर्ट, हाफ पैंट, स्पोर्ट्स शू पहन के, वाइफ है या वाइफ नहीं भी है, शादीशुदा नहीं है, तो थोड़ा सा कम्युनिटी में, थोड़ा सा सोसाइटी में एक चक्कर लगा लिए, अपने घर के आसपास थोड़ा टहल लिए। चलो ठीक है, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी के यहाँ चाय पीने भी नहीं जाएंगे। मेरी ये आदत है कि मैं जब ऑफिस से लौटता हूँ तो बहुत लेट हो जाता है, तो मैं खाना वाना खाता हूँ, ज़्यादातर घर में ये बात हो रही होती है कि खाइए पीजिए सो जाइए। मैं कहता हूँ यार, सुबह में तो सो के उठ के गया था, नाश्ता किया, उसके बाद सीधे ऑफिस चला गया, ऑफिस से आया हूँ, खा के फिर सो जाऊंगा, फिर कल सुबह उठूंगा, नाश्ता करके ऑफिस चला जाऊंगा। तो मेरी अक्सर यह आदत है कि रात के 10 साढ़े 10 बजे मैं अपनी सोसाइटी में नीचे उतरता हूँ पत्नी और बच्चों के साथ में, और वहाँ एक आइसक्रीम की दुकान है, तो अगर वो आइसक्रीम की दुकान खुली होती है तो उस लालच में इन लोगों को लेकर उतरता हूँ कि नीचे चलो वहाँ हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। और ज़्यादातर चांस होता है 50% से ज़्यादा कि वो आइसक्रीम की दुकान बंद रहती है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो जंक फूड की बात कर रहे थे, उस आइसक्रीम खिलाने के लालच में मैं नीचे उतर के अपनी सोसाइटी का एक दो चक्कर लगा लेता हूँ। ये एक हो गई फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इनएक्टिविटी, अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर भी आके खाना पीना खा के सो गए। निष्क्रियता अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होती है, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा हुआ हूँ लेकिन मेरी उम्र जो है अब 36 साल हो चुकी है, तो धीरे धीरे अब खेलने का मन नहीं करता या उतना काम करने का मन कर नहीं करता, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लाइक एक्सरसाइजेज, योर ईटिंग हैबिट्स आर ऑफन नॉट गुड इफ यू लिव एंड ईट अलोन। अगर आप अकेले रह रहे होते हैं, अकेले खाना खा रहे होते हैं, तो अक्सर आपको व्यायाम करने की इच्छा नहीं होगी, आप हमेशा चाहेंगे टैब, मोबाइल या टीवी में कुछ अच्छा मूवी लगा लेते हैं और पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, पिज्ज़ा भी खा लिया जाएगा, मूवी भी देख लिया जाएगा। तो आपके खाने की भी आदत ठीक नहीं होगी अगर आप अकेले हैं तो, और साथ ही साथ में व्यायाम करने की भी आदत नहीं होगी, ठीक।
अब इसमें ये चीज लिखा गया है, यहाँ पे एक लाइन मैंने हटा दिया क्योंकि यूएस का एग्जाम्पल दिया था, हालांकि ज्यादातर स्लाइड्स में यूएस का ही डिस्कशन किया गया हुआ है। तो उस चीज में ये चीज बताई गई कि अगर आप अगर आप इस तरह के कम्युनिटी या अकेले रह रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अक्सर देखिएगा कि मॉल, जिम, जिम का निर्माण क्यों किया गया, जिम का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि अगर आप जिम जाते हैं तो वहां 10-15 लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनमें अगर किसी से जान पहचान हो जाती है तो उस मोटिवेशन में कि आप में आपका कोई मित्र बन गया है जिम में, उससे मिलने जाने के लिए आप जिम जाना शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ दो चीजें, मान लीजिए अगर आपके साथ में एक आपका मित्र है वो भी जिम जाता है तो वो आपको इंसिस्ट करेगा, दो जन हो गए, साइकिल या बाइक से निकल गए, कार से निकल गए जिम के लिए। दूसरा है कि अगर आपके पास कम्युनिटी में अकेले रह रहे हैं और आपके पास कोई साथी नहीं है तो आप जिम जाकर के दोस्त बना लीजिए, जिम जाके दोस्त बनाइए, वहां लोगों से मिलिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए और तब जाकर के फिर उनके साथ में अपना अप डाउन कीजिए। ठीक है, तो सफल उम्र बढ़ने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ, यानी कि ये भी है कि एक मोनोटोनस फूड जो हमारे यहाँ चलते चला आ रहा है, इसके अलावा आपको पोषक तत्व यानी कि लिस्ट बना लीजिए कि विटामिन, मिनरल और ये सब कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा। खासकर कैंडी और मिठाई के खाली कैलोरी से बचना महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि भूख लगी है और मेरे पास टाइम नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह खा लेते हैं। वो क्या होता है कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपकी कैलोरी को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाता है, साथ ही साथ में जैसे ही आपका कैलोरी ऊपर जाता है बहुत तेजी से, उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा कम्युनिटी हेल्थ इशू है अधिक वजन या मोटापा, और इसका एक डाटा प्रोड्यूस किया गया है कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ओबेसिटी और फैट और इन सब चीजों से सफर कर रहा है। Being overweight or obese increase your chances of dying by hypertension, type 2 diabetes, coronary artery disease, stroke, gallbladder disease and osteoarthritis, sleep apnea तो बहुत common हो गया आज के दिन में, यानी कि आपको लगता है कि आप दिन भर रात भर सोए हुए हैं, आपका नींद पूरा 8 घंटे का है, लेकिन sleep apnea एक केस है जहां आपके बॉडी में obesity के चलते oxygen level घटते चला जाता है और literally आप सोए नहीं होते हैं बल्कि आप उसको pass out बोलना बोलते हैं, यानी अगर आप सो रहे हैं तो आपके बॉडी में oxygen index बढ़ना चाहिए, आराम करें तो ऑक्सीजन इंडेक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन स्लीप एमनिया के केस में अगर आप सो रहे हैं तो इसलिए सो रहे हैं कि आपका शरीर में ऑक्सीजन इंडेक्स घट गया हुआ है और आप शिथिल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्लीप एपनिया जो है वो एक कुछ बीमारियों में से एक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें आपके बारे में बताया गया कि अगर आप ओवरवेट हैं और आपका वजन बहुत ज़्यादा है, उस कारण से भी आप अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने के कारण भी बहुत तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। In-depth guide of practical advice about the obesity is available from the National Heart, Lung, Blood Institute of the National Institute of Health, NIH. ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में सारे के सारे information दिए गए हैं कि अगर किसी person का वजन हद से ज़्यादा बढ़ गया हुआ है तो वो किन किन बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। हम में और आप में से कोई भी ऐसा person नहीं है शायद जो शायद तंबाकू और उसके side effects के बारे में नहीं जानते हैं। तो तंबाकू एकमात्र अमेरिका की में बीमारी और समय से पहले का मौत का एक सबसे बड़ा रोके जाने योग्य कारण है, यानी कि टोबैको इज सिंगल ग्रेटेस्ट प्रिवेंसिबल कॉज ऑफ द इलनेस एंड प्रीमेच्योर डेथ इन द यूएस। यानी अमेरिका में कहा जाता है कि सबसे बड़े कारण से जो लोग मर रहे हैं वो आपके तंबाकू के कंजम्पशन से, चाहे वो सिगरेट के थ्रू हो या किसी भी माध्यम से। आज के दिन में अगर कोई बीमारी है तो उसको हम लोगों ने डाल दिया है टोबैको डिपेंडेंट डिजीज, तंबाकू निर्भरता रोग उसको कहा जाता है। अब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये भी बात उन्होंने बताया कि जो लोग तंबाकू छोड़ने की कोशिश करते हैं चिकित्सीय समर्थन के साथ में, वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल जीवन या एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए काफी हद तक कैपेबल होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्सटेंस अब्यूज, मादक द्रव्यों का सेवन। आप देखते हैं ड्राइविंग से लेकर के कई जगह पे लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को मिक्स मत कीजिए, शराब पी के मत चलाइए। मादक द्रव्यों के सेवन का मतलब आम तौर पे ड्रग्स और अल्कोहल होता है।
ये दो क्षेत्र हैं जिन्हें हम अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के साथ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन युवा लोगों की तरह वरिष्ठ कानूनी एवं अवैध दवाओं एवं शराब का उपयोग करके आत्मचिकित्सा कर सकते हैं जिसमें गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। अब इस तरह से देयर आर टू, वी डू नॉट ऑफन एसोसिएट विद द सीनियर्स, बट सीनियर्स लाइक यंग पीपल, ठीक है, मे सेल्फ मेडिकेट यूजिंग द लीगल और इलीगल ड्रग और अल्कोहल विच कैन लीड टू अ सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। अब जैसे नींद की दवा है तो वो डिप्रेशन एंटी डिप्रेसिव दवा होती है जिसको आप खाते हैं तो आपको नींद आती है, लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसका सेवन किए जा रहे हैं, ठीक है, तो एनल्जेसिक है, उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप रिलैक्स करने के लिए ज़बरदस्ती का एनल्जेसिक खाए जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सब्सटांस अब्यूज या ड्रग अब्यूज। इन एडिशन टू द सीनियर, वरिष्ठ लोगों को जानबूझकर और अनजाने में दवाओं को मिला सकते हैं और शराब का उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपके मादक द्रव्यों के सेवन या फिर सब्सटांस अब्यूज के अंदर में इसको डाला जाता है। कई सारी चीज़ें बेटा, ये सारा चीज़ आप देखेंगे ना, अब जब आप ANM को क्वालिफाई कीजिएगा, जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये नशा करता है। अब किस चीज़ का नशा करता है, ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आने वाले समय में आपको मिलेगा। बिकॉज ऑफ आवर स्टीरियोटाइप अबाउट द सीनियर सिटीजन, मेनी मेडिकल पीपल फेल टू आस्क सीनियर्स अबाउट द पॉसिबल सब्सटेंस अब्यूज। आप कई बार स्टीरियोटाइप है, आप अपने घर में बड़ों से या इन सब लोगों से नहीं बातचीत कर पाते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। HIV एड्स के बारे में मैं बता दूं कि 11 से 15% US, ठीक है, अमेरिकी एड्स के 11 से 15% के मामले 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों में हो रहे होते हैं, और कई सारे डाटा हैं जो इसके बारे में दिए गए हुए हैं, ठीक है। यौन गतिविधि और नशीली दवाओं के उपयोग के संदर्भ में एड्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैलना शुरू करता है। नस्ली दवाओं की गतिविधि का और यौन गतिविधि का क्या डिफरेंस है? अगर आप सेक्सुअली किसी से एसोसिएटेड हैं जो ऑलरेडी एड्स से सफ़र कर रहे हैं तो ये डिजीज़ आप में फैल सकता है, और ज़्यादातर लोग जो नस्ली दवाओं का इंजेक्शन ले रहे होते हैं वो एक ही निडिल को 10 लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ये चांसेस होता है कि ये एड्स की बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है एड्स के साथ में, कि एक रूढ़िवादी समाज जो है ना वो कभी भी एड्स पेशेंट को सपोर्ट करने का काम नहीं करता है कि चलो हम आपकी मदद करते हैं, आप इससे ठीक होने के लिए इस तरीके का प्रिवेंशन करो, ठीक है। एड्स सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि जरूर ये इसने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू इसने कंसीव किया है एड्स को, जबकि कोई और भी कारण, गलत ब्लड चढ़ जाने के कारण, गलत निडिल लग जाने के कारण भी एड्स से लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। मनोभ्रम उम्र के बढ़ने का हिस्सा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो, डिमेंटिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजिंग। अब डिमेंटिया में जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए बीमारियां हैं उसमें कई सारे ऑलरेडी बीमारी आते हैं, जैसे मनोभ्रम रोग, दवाओं के प्रतिक्रियाओं, दृष्टि एवं सुनाई देखने की समस्या, संक्रमण, पोषण असंतुलन, मधुमेह, गुर्दे की विफलता के कारण भी हो सकते हैं। मनोभ्रम के कई रूप हैं जिसमें अल्जाइमर रोग भी आते हैं, और कुछ अस्थायी होते हैं। अस्थायी कहने का मतलब हो सकता है थोड़ी दिन के लिए हो फिर अपने आप ही ठीक हो जाए। सटीक निदान के साथ प्रबंधन और मदद आती है, इसके लिए विथ एक्यूरेट डायग्नोसिस मैनेजमेंट एंड हेल्प कम्स द मैनेजमेंट एंड हेल्प। आपको ये जैसे नींद नहीं आना, इसका कई कारण हो सकता है। अगर आप उसका डायग्नोसिस करते हैं कि ये नींद जो है किसी वेव, ब्रेन वेव की कमी के चलते है, या आप हाइपरटेंशन में हैं, अगर आप इस चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं तो बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे आम देर से जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति अवसाद है, या अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो बुजुर्गों में अवसाद आत्महत्या का भी कारण बन सकता है। अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा तो डिप्रेशन ज़्यादा उम्र के लोगों में आत्महत्या तक हो जाता है कि वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि आत्महत्या की दर में बुजुर्ग सफ़ेद पुरुष के लिए वाइट मेन देन एनी ऑफ द अदर एज ग्रुप इंक्लूडिंग द एडोलेसेंस। किसी भी वाइट मैन यानी कि अमेरिकी या फिर अंग्रेजों में जो सब लोग होते हैं उनमें यह सुसाइडल कैपेसिटी या टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किसी भी समुदाय के दूसरे लोगों में या फिर एडोलेसेंस के लोगों में। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हम लोग यूट्यूब पे एक छोटे छोटे सेक्शंस को आपसे डिस्कस करने आ रहे हैं ताकि आपको एक इंटरेस्ट बना रहे कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो NCERT के
बेटा यहाँ पे एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है कि क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए क्लासेस से करियर तक चैंपियन बैच हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एएनएम के साथ साथ में मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि आपके घर में छोटे भाई बंधु दोस्त, उनके छोटे भाई बंधु अगर आपके हैं, तो हर वो स्कूल जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को मानता है या उसको लागू करता है, वो बच्चे यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करनी है, लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी एजेंसियाँ जो हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों को बिल्कुल ही डील नहीं करती हैं। तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग पढ़ाई होती है, सारे फैकल्टी IITian और PhD हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड करियर काउंसलिंग जैसे ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई में 9, 10 के सारे सब्जेक्ट के पढ़ाए 45 मिनट की क्लास में सिर्फ 1399 रुपये में आपके पास अवेलेबल है। वहीं 11, 12 की पूरी पढ़ाई साइंस की 1999 रुपये में अवेलेबल है। सर, इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं या हम लोग इसमें क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रिकॉर्डेड बैकअप के साथ में कंप्लीट सिलेबस कवरेज भी आपके पास में अवेलेबल है। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट, मंथली यूनिट टेस्ट वगैरह वगैरह आपको शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ में ब्रिज कोर्स है, अगर आप 12th में जा रहे हैं तो 11th आपको दिया जाएगा पढ़ा करके, 11th एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। 11th में आप पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं 10th को भी पढ़ाई करना, तो उसकी भी एक्सेसिबिलिटी आपको दे दी जाएगी। क्या इसमें एक्सेसिबिलिटी लेने के बाद आपको मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए या NTSC ओलंपियाड के लिए क्या अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है? नहीं, हमारे इसी फी स्ट्रक्चर में NTSC, GE, ओलंपियाड, नीट जैसे एग्जामिनेशन सारे पेपर इसमें कवर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको अलग से स्पोकन इंग्लिश और लाइफ स्किल के भी, सर्वांगीण विकास के लिए भी, लाइफ स्किल में डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे मास्टर क्लासेस भी आपको ला कर दिए जाएंगे। हमारे कोर्स अगले सप्ताह के मंगलवार यानी 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को यहाँ पे इनरोल कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में, कल एक ANM के एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। सफलता के क्रेडो, साथ रहेंगे सक्सेस तक। इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।